I'm Sumit Seri, I'm here when I can cut, scratch, loop, mix and trim. I started young, I hit it big young when it comes to DJing, number one. छोटा सा रेस्टोरेंट है अशोक विहार में, होटल मोहन्स. अच्छा. हाँ, तो वहाँ 150 रुपये मिलते थे भाजी. ओह माय गॉड. 125. और मेरी ना थोड़ी बाइक भी म्यूजिकल थी, मैंने उसके ऊपर लिखवा रखा था प्रोडिजी, जैमेरक्वाय, अलग अलग म्यूजिशियंस के अंदर, जैसे फंकी बाइक हो ना, जैसे आर्टिस्टिक बाइक थी. मेरा टाइम नहीं है, मेरा दौर. अरे क्या बात है. कौन आपको यूज करता है? भाई है, बच्चा है, और अगले दिन पहचाने ना, वो होते हैं ऐसे. तो ऐसे अपनी किताब सी लिख रहा हूँ. यू बिकम अ ब्रांड एंड देन यू गेट वर्क. बट इन माई केस माई वर्क वॉज सो नाइस दैट मेड बी अ ब्रांड. मैं बॉलीवुड डीजे हूँ, मैं भारतीय लड़का हूँ, हिंदुस्तान मेरी प्रथा है. अरे यार, उसने मेरे लिए डांस करा ब्रो. हाँ, पीली साड़ी में. अरे यस यस, याद आ गया. पानी डाल के ना पूरा फुल डांस करा था. वी कैर अ फ्लाइंग हूट. यू थिंकिंग आई एम हैविंग ड्रग्स? इट्स ओके. Hey guys, welcome to another episode of Scene Kya Hai. आज मेरे साथ है one of India's most famous DJs, Sumit Sethi. Thank you so much for being on the podcast, bro. Thank you for inviting me. Pleasure, you are here. And आज हम जितनी भी बातें कर सकते हैं आपके जर्नी के बारे में, DJing के बारे में, इस पूरी दुनिया के बारे में, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी. तो आप खुल के बात करना एकदम. बिल्कुल खुल के. As raw as possible. तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि नंदू कोठारी जी का लड़का अखिल कोठारी को ऐसा क्या हो गया कि क्या सीन क्या है करने की जरूरत पड़ गई? अब आप ये बताओ कि आपने अपनी जर्नी डीजेइंग की कैसे शुरू करी? आपके दिमाग में कहाँ से आया कि यार मेरे को डीजे बनना है? क्या शौक था, क्या चस्का था उस टाइम पे? यू नो, आई थिंक यू स्टार्टेड 20 ईयर्स बैक, मे बी 15 ईयर्स बैक. तब तो इतना ज़्यादा था भी नहीं है, आज तो बहुत हो गया है. I'm Sumit Seri, I'm here when I can cut, scratch, loop, mix and trim. I started young, I hit it big young when it comes to DJing. Number one, with a guy like me, my music is new and people like me are very few. ये खुद ही लिख डाला था जब कंपटीशन के अंदर. क्या हुआ कि पाजी छोटा था. अब कुछ समझ तो आता नहीं था, पढ़ाई लिखाई में इतना ही तेज था जितने आप थे, जितने सारे बच्चे होते हैं पंजाबी बच्चे. बिल्कुल. इतना ही तेज सी मैं, तो मुझे लगा कि ठीक है, पहले क्रिकेटर बनूंगा, नहीं फिर डॉक्टर बनूंगा. तो म्यूजिक का तो पैशन शौक शुरू से ही था. एंड देन आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 16. एंड देन ग्रेजुअली दिन की पार्टीज करनी शुरू कर दी. घर में तो अलाउड ही नहीं था 8 बजे के बाद. सीखा कहाँ पे? सीखा, खुद ही सीख लिया. कोई कंसोल था या ऐसे ही बस? कुछ नहीं, दोस्तों के पास गए, सीख लिया. सेटअप वेटअप पड़ा हुआ था, कहीं हाथ चलाए वाथ चलाए, ये करा वो करा, एक अपन धीरे धीरे सीख लिया. म्यूजिक की नॉलेज थी, म्यूजिक सिस्टम में था, म्यूजिक बॉडी में था. और खुराफात थी उससे भी ज़्यादा कि कर ही दिखाना है भाई. तो पहुँच गया सेटअप वेटअप पार्टीज, धीरे धीरे डे पार्टीज की अपॉर्चुनिटी मिली मुझे एक छोटे से 16, 17, 18 महीना ना. हाँ, तो मुझे डे पार्टीज की अपॉर्चुनिटी मिली कि चलो भाई. रात को तो घर वाले अलाउ नहीं करते थे, 8 बजे कुंडी बंद दरवाजे के अंदर, ये वो. दिन में ही कर सकते हैं. स्कूल पास निकला ही था, एडमिशन हो गया. अब दिन की पार्टियाँ बड़ी कमाल, कॉलेज के बच्चों की पार्टियाँ. अब आपको पता है व्हेन यू आर वेरी यंग, यू नो, इन योर टीन्स एंड यू गेट दीज कॉलेज गिग्स एंड यू गेट गुड लुकिंग क्राउड एंड गुड लुकिंग गर्ल्स एंड दैट्स आल्सो वाइब. या ग्रेट क्राउड, राइट? एंड देन और साथ में थोड़ा अच्छा खाना पीना भी मिल जाता था रेस्टोरेंट में जहाँ मैं बजाता था. तो कितने रुपये मिलते थे? कहाँ से शुरू करा आपने? किस? वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट है अशोक विहार में, होटल मोहन्स. अच्छा. हाँ, तो वहाँ 150 रुपये मिलते थे भाजी. ओह माय गॉड. 125. और वो 25 रुपये पूरे गिग के? पूरी गिग के 125 रुपये, ठीक है. और बजाना है 3 घंटे और 2-3 घंटे और दबा के गाने, और उसके बाद जैसे ही ख़त्म होना है फटाफट वहाँ पर नूडल्स और मंचूरियन बनता था. और थोड़ा सा फटाफट दुपक में नूडल मंचूरियन खींचा, फ्रेंच फ्राइज खींचे, और लास्ट में गुलाब जामुन. और कॉलेज की पार्टी होती थी. अब उसमें क्या स्कीम थी,
उसके तीन बैंक्वेट हॉल थे अलग अलग। अच्छा। तो तीनों में पार्टी होती थी, तो एक में बहुत अच्छा सिस्टम लगा होता था, तो मेरे को लगता था कि मुझे ना इसी सिस्टम पे परफॉर्म करना है और अच्छी पार्टी करनी है। फिर वहाँ के एक मैनेजर था, उससे मैंने दोस्ती कर ली कि यही करा अब क्या होता था कि 150 रुपये मिले, अब वहाँ के मैनेजर से दोस्ती कर ली, अब मैनेजर को बोलूँ मैं कि भाई अच्छे सिस्टम पे बजवा दे और अच्छा क्राउड दे दे। अब धीरे 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 ना डीजे का रेट चेंज होने लग गया। अच्छा। एक और बैंकेट हॉल था, डीजे को 500 रुपये मिलते थे तो मेरा चैलेंज बन गया भाई कि वहाँ करना है, मैंने वहीं करना है भाई, मेरे 500 मिले। ये सॉरी अप्रॉक्स कौन सी ईयर की बात होगी, 2000 2001 शायद, तब आप पैदा भी नहीं हुए थे। नहीं मैं पैदा हो गया था, दो तीन साल आई वॉज बॉर्न इन 98, सो 3-4 साल का था। हाँ, 3 साल के हो गए जब आप सब तब से। तो, वाओ मैं तब भी इतना ही छोटा था अबाउट दिस 2001 2002 ऐसा ही कुछ था। इन दिनों के कॉलेज का फर्स्ट ईयर था ना, तो ऐसा कुछ था। तो 500 रुपये 500 रुपये मैंने वहीं जाना है। अब क्या हुआ कि मेरे घर वाले उतने ही स्ट्रिक्ट थे, एडमिशन हो गया अच्छे कॉलेज में, मैं हॉकी खेलता था, फिर हॉकी के चक्कर में एडमिशन हो गया, बढ़िया नंबर भी ठीक ठाक आ गए भाई, मैंने तो कहा मैटर चेक हो गया, एडमिशन हो गया लौंडे का। अब पूरे मोहल्ले में तहलका, अरे लड़का बड़े कॉलेज में जा रहा है, इधर उधर उधर, थोड़ा मैं भी टेंशन में था। फिर मुझे ना शौक चढ़ा कॉल सेंटर ज्वाइन करने का, मैं कॉल सेंटर। हाँ, While you were DJing, या? हाँ, दिन में था, मैंने कहा यार सारे ना यंग लड़के लड़कियाँ कॉल सेंटर ज्वाइन करते थे है ना, दो तीन उस टाइम एरा था कॉल सेंटर, वो जी कैपिटल वी कस्टमर छोटे थे तब, आपको पता नहीं। बट आई हैव रेड अबाउट इट। चलो मजाक कर रहा हूँ नहीं मैं था छोटा, साहब खिंचाई करनी आपकी तरफ। तो एक कॉल सेंटर था वी कस्टमर और एक जी कैपिटल तेरा भाई। मैंने नई नई बाइक ली थी CBZ और मुझे तो वैसे ही गम लग गया था क्योंकि मेरे बोनट के ऊपर ना किसी ने स्क्रैच मार दिया था CBZ पे। तो मैंने कहा था यार ये ठीक कराना है, और मेरी ना थोड़ी बाइक भी म्यूजिकल थी, मैंने उसके ऊपर लिखवा रखा था प्रोडिजी, जैमेरकॉय, अलग अलग म्यूजिशियंस के अंदर, जैसे फंकी बाइक हो ना, जैसे आर्टिस्टिक बाइक थी वैसे लिखवा दी मैंने, बढ़िया हीरो होंडा। अब मेरे घर वाले मना करते थे कि तूने नहीं करना। एक आध बार हो गई, मैंने वहाँ ट्रायल दिया, मेरा पास, राजो जी करो। अब क्या हुआ कि एक दिन मैं प्ले कर रहा था और मेरी पार्टी में मेरी बुआ आ गई, अभी तक घर पे पता नहीं है मैं डीजे हूँ। अच्छा। पता ही नहीं है। एक दिन मेरे घर पे मेरी बुआ आ गई मेरे शो पे, भाई मैंने बजाना करा सामने बुआ, मैं ढक नीचे मैं भग गया वहाँ पे एक लड़के को देख के, और अगले दिन उन्होंने मेरे घर पे बता दिया मेरी बुआ ने मेरे जो रैपटे बजन दही दे दही दे दही दे दही दे, सारे सुर साथ ही निकल गए और घर वालों ने बंद कर दिया। कॉलेज में था, कॉलेज में फिर कॉलेज थोड़ा ना रोक सकते थे। अब कॉलेज में धीरे 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 लड़का फंकी ओके रिपोर्ट था, मैंने एक रिकॉर्ड बना दिया, मैंने अपनी बाइक पे, नई बाइक थी, मैंने एक बाइक पे पता नहीं 30 लोग बिठा के ना लिम्का पता नहीं कौन सा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बना दिया, एक बाइक पे 30 लगे, बाइक बाकी हो गई चल रही है 30 लोग एक बाइक पे। इससे मैं कॉलेज में बहुत पॉपुलर हो गया, मैं डीजे तो था ही, खून में सिस्टम में आ चुका था, म्यूजिक था ही शुरू से, मैं प्ले करना आ गया था, कॉलेज का फेस्टिवल हो वहाँ बजा दूँ, कॉलेज के अंदर फेस्टिवल हो वहाँ पॉपुलर हो गया लड़का, उसके बाद मैं कॉलेज का कंपटीशन हुआ मिस्टर एंड मिस एक्स वाई जी व्हाटएवर, मैं वो जीत गया, इधर से मुझे कोई गर्ल्स कॉलेज बुला रहे हैं और डीजे इन आवर कॉलेज, इधर व्हाइल यू वर इन डीजे, व्हाइल यू वर इन कॉलेज, मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड आई थिंक over that time I became very popular. In 3 years I was the talk of the town. I was the talk of the town. I was very 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 popular amongst all over the colleges, in the girls colleges, youth specially, extremely amongst into youth. My sister, I was doing big festivals. Were you always funky with everything? Yeah, it's like that, always bling. Yeah, always so, bling. And it came into my system, like I was in all these colleges, LSR, Maitri, and JMC, and KNC, and Khalsa, and Hindu, and all these festivals I was doing back to back. ठीक है, तो ये टैलेंट देख के मैंने वो रिकॉर्ड बनाया, MTV पे बहुत पॉपुलर हो गया वो वाला रिकॉर्ड। अच्छा। ठीक है, ये कर रहा था, इसके बाद मैंने अपना वो चलता जा रहा था अपना डीजेइंग का सिस्टम, और मेरी पेपरों में फोटो छपनी शुरू हो गई, न्यूज़पेपर, HT City टाइप्स HT City ने एक फेस्टिवल करा, HT City यूथ नेक्सस पोलो ग्राउंड में। अच्छा।
मतलब सोचो जो आज कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं मैं 20 साल पहले करता हूँ, 15 साल 17 साल पहले, और उसके अंदर सोचो 25-50 हज़ार बच्चा है और मैं अकेला परफॉर्म कर रहा हूँ, बाद में शान के और ऐसा बड़ा सोनू जी, ऐसा बड़ा चांद शान जी, के जी, एक्स लेट श्री के जी और सोनू जी, ऐसा लंबा लाइनअप और बड़े बड़े बैंड परिक्रमा, और मैं वहाँ पर मैं पेपर में छुप, घर वाले भी कह रहे चल कुछ तो कर रहे, पैसे नहीं आ रहे, पैसे तो नहीं आ रहे जितने पैसे होंगे। तो धीरे 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 मैंने डीजेइंग शुरू कर दी, डीजेइंग हो गई, अलग अलग लोग बुलाने लग गए मुझे, अलग अलग कॉन्सेप्ट होने लग गए, अलग अलग गेम खेलने लग गई, फिर HTCT का कॉन्सर्ट करा, डेली टाइम्स का कॉन्सर्ट हो गया, फिर HTCT की डेली टाइम्स की प्रॉपर्टी है, फ्रेश पेस आप हर कॉलेज में जाते हैं और प्ले करते हैं, फ्रेशर्स निकलते हैं फॉर मिस्टर एंड मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स के लिए जाते हैं, उसके अंदर मैं शोज करने लगे, उस टाइम की IP है, 5-10 साल हो गए उस IP को करते करते, 60 कॉलेज 2 महीने में, ओह माय गॉड, 60 कॉलेज 60, सो वन एवरी डे ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, वाओ, बेस्ट कॉलेजेस ऑफ द कंट्री, फिर अलग अलग कोई इधर से बुला रहा है, कोई इस यूनिवर्सिटी से, कोई पूरी इंडिया से शोज आने शुरू हो गए, मैंने कहा बात चल रही, और अब यंग चार्मिंग और पागल हो रहा है क्राउड, क्या चक्कर है सिटी साहब, मैंने अरे भाई तेरे भाई की चल रहा है तेरे भाई का टाइम है, तेरे भाई का टाइम, हमारा टाइम नहीं चलता ब्रो, मेरा टाइम नहीं है, मेरा दौर, अरे क्या बात है, हम वो आई लहर नहीं है, हम समुंदर हैं, कहते फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट, या बट वी क्रिएट द क्लास एंड ट्रेंड इन आवर बिजनेस, या ओके, सो ऑफ कोर्स, एंड तो उसके बाद कॉलेज फेस्टिवल्स आने लग गए, यूथ फेस्टिवल्स आने लग गए, फिर डिस्को में बजाना शुरू कर दिया, घर वाले तो मान ही गए थे, धीरे कोई इस क्लब में जा रहा हूँ, कभी उस क्लब में जा रहा हूँ, क्लब गिग्स करने लग गया। उसके बाद मैंने कहा शादी में क्यों नहीं भाई जी, तेरा भाई शादियों में छाने लग गया, मैं एक ऐसा डीजे हूँ जो विच आई क्रिएटेड दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड डीजे बेस्ड बैंड इन इंडिया, सो इट्स बेसिकली माई ब्रेन चाइल्ड विद ऑफकोर्स मिस्टर लांबा। सो मैं बाहर गया, मैंने कहा देखा विदेश में सब ढोल के साथ ड्रम ड्रम पीट रहे हैं, अरे तो बढ़िया है, मैं इंडिया आया, मैंने एक ढोली डिस्कवर करा बढ़िया सा, उसे जोड़ा, एक ड्रमर जोड़ा, एक ट्रैपर टाइप जोड़ा, और हमने 5-6 लोगों की टीम बना दी, और हम ने वो पूरा सिस्टम रूल करा 9-10 साल मोनोपोली से, ये कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट मेरा बनाया था और मैं करता था, मेरे करने के बाद 1 लाख ऐसे लोग बन गए, फिर उसके बाद मैंने एक्ट्स बनाए बड़े बड़े, मैं और 50 ढोल प्लेयर, मैं और ड्रमर्स, मैं और डिफरेंट डांसर्स, कॉन्सेप्ट्स, एवरीथिंग, तो दैट्स वेयर, और ये जर्नी इतनी लंबी है वर्ड्स में डिस्क्राइब भी नहीं हो सकती, मैं अपनी किताब लिख रहा हूँ उसके अंदर जब अच्छा। उसके अंदर एक एक चीज़ मेंशन करूँगा, लाइफ डे बाय डे कैसे बदली, कैसे हुआ, कैसे अप एंड डाउन हुआ, कौन आपको यूज़ करता है, भाई है बच्चा है और अगले दिन पहचाने ना, वो होते हैं ऐसे, तो ऐसी अपनी किताब सी लिख रहा हूँ, धीरे धीरे कर देंगे उसको, आउट ऑफ लव एंड पैशन, लाइफ ऑफ अ डीजे, लाइफ ऑफ अ सक्सेसफुल डीजे, ऑफ कोर्स, एंड देन बहुत सारी चीज़ें, पिक्चरें आई, म्यूजिक आया, फिल्मों के गाने आए, फिल्में आई, बहुत कुछ आया, बहुत कमाल जर्नी है, म्यूजिक वीडियोज आए, एंड स्टिल गोइंग ऑन। बताओ आपको, मैं वापस, आपने एक बात बोली कि यूज़ करा, यूज़ करा, मतलब आपको नाम वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं, बट किस तरीके से इस इंडस्ट्री में, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत लोग यूज़ करते हैं। तूने मेरे से शो कराना है, ठीक है, आज तूने मुझसे जब शो कराना है ना भाई, तो आज मैंने एक्स पैसे लेने हैं, ठीक है, लेकिन तुझे वो एक्स पैसे नहीं खर्चने, अच्छा, तो मुझे अपना बेटा बनना लगा, अरे बच्चा है तेरे भाई की शादी है, ये है वो है वो, उसके शो होते ही 1-10 दिन बाद कौन तू कौन मैं, अच्छा, गायब गायब बहुत सारे रोज, इनिशियली बहुत हुआ होगा आपके साथ, इनिशियली बहुत है भाई, मैं शो करने गया, पेमेंट 6,000 रुपये, ठीक है, 6,000 रुपये सिर्फ, मेरे लिए बहुत थी, आज के समझ ले जो भी XYZ, बहुत थोड़ी पुरानी बात होगी, काफ़ी 6,000 रुपये लिए, मैं कहा सर 6,000 रुपये मिलेंगे, 1,000 का ये करूँगा, 500 करूँगा, 200 ये करूँगा, मैंने सिस्टम बना लिया, इसको ये दूंगा, इसको दूंगा, मैंने कमा लूँगा 3,000 रुपये, तो 3,000 का खर्चा करूँगा, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं फंक्शन पे पहुँचा 7 बजे, मैंने शुरू करा 9 बजे, मैंने 2 बजे तक बजाया,
ठीक है, 3 बजे आया, फिर मैंने कहा सर मज़ा आया, हाँ जी सर बहुत बढ़िया लगा, मैं सर जी अभी कराता हूँ। फिर मैं 15 मिनट बैठ गया, अभी कराता हूँ। फिर वो खाने की टेबल पे बैठ गया, मैं अभी कराता हूँ। फिर उसने मुझे आधा घंटा कराया और मैं अभी कराता हूँ। और फिर उसने मुझे 1000 रुपये दे दिए। तो वो जो एक्सपेक्टेशंस टूटी, बहुत गलत टूटी। बट वो लर्निंग भी तो हुई, लर्निंग थी या नहीं थी बट वो गलत थी कि नहीं करना आसानी से नहीं, ट्रस्ट। नहीं, 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 वो 5000 रुपये दिए, बट रो रो के पैसे दिए, मेरे को बहुत बुरे लगे। किसी का काम करा मैंने, 2000 रुपये थे मेरे पास, 2000 रुपये की डील थी हमारी, 2000 रुपये थे उससे कि 2000 लेने हैं। तो उसने मुझे महीने बाद 2000 में 1200 का खर्चा था, तो 2000 बड़े थे उस टाइम, 800 रुपये बचने थे। मैं उसके फॉलोअप करता रहा, मैं सारा काम भी करा, उसमें पता है पैसे कैसे दिए, 10-10 के नोट, और मेरे पे एहसान कर गए। आज भी याद है, मैं बारिश में खड़ा होता डिफेंस कॉलोनी मार्केट में, और उसने मेरे को एहसान करके मेरे पे 2000 रुपये दिए। तो व्हेन यू लुक बैक, दुख होता है, यू फील प्राउड कि मैं कहाँ आ गया हूँ? नहीं नहीं, मेरे को तो मेरे लिए पैसा इम्पोर्टेंट ही नहीं है। मेरे लिए पैसा इम्पोर्टेंट ही नहीं है, क्योंकि मैं खानदानी लड़का हूँ, मैं पैसे के लिए तो कभी काम ही नहीं करा। माई फैमिली इज़ वेरी वेल टू डू, और फैमिली बिजनेस वॉज ओके टू ज्वाइन एनी टाइम। तो इट वॉज नॉट मनी, इट वॉज पैशन एंड विजन, and it was not money. Still it was not, that, still it's your passion, it's which drives you. Passion and vision, and then chalo jo bhi hai, to aise aise fir growth bhi hui. Paise bade, paise badhte gaye, kaam badhta gaya, talent badhta gaya, logon ne acknowledge kara apna game, logon ne samjha. Ab ye to tha nahi na, but wo look back karta hai ki hum kyun kara aisa, kyun inke liye wait kari, kyun itna kara, kya zarurat thi. वो लेसन था कि मतलब पूरी रात तुम किसी को कराओ और उसके बाद बोलो नहीं कल आनी तला नहीं है, यानी यानी वो नहीं। मैंने एक बैंड बनाया, ठीक है, हमने इकट्ठे बच्चे हजार नहीं देखे थे उस टाइम, जब नई पुरानी बातें बहुत पुरानी, तो ये 25000 पे हमने बैंड बना लिया। हमने फिगर सोची 50,000 रुपीज़, 5 लड़के हैं, 20 मेरे, 10-10 सबके। हमारे एक इवेंट मैनेजर है, मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर ये बनाया है आपका, ये बहुत बिकने वाला है, आप हमारे को 50,000 रुपये दो। उन्होंने ना मैं से 45,000 रुपये के हिसाब से मेरे 10 शो खरीद लिए। अच्छा अच्छा, हाँ बस 10 शो खरीद लिए। मैंने कहा अरे तेरी कसम, मैंने सबके एक एक कम करके सबको बांट दी, हमने 10 शो बजाए। उसके बाद हमें कॉन्फिडेंस आ गया, हम पैसे ले सकते, हमारा काम ही अलग है। और जो गेम चेंज होने लग गई, गेम चेंजर, इतनी दो तरीके से काम होते जीवन में, या बहुत मशहूर हो गए तो आपको काम आएगा, यू बिकम अ ब्रांड एंड देन यू गेट वर्क। बट इन माय केस माय वर्क वाज सो नाइस दैट मेड बी अ ब्रांड। ऑफ कोर्स आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस थिंग कॉल्ड, वी मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर प्लेइंग 56 आवर्स नॉनस्टॉप विद 9 डीजेस इन द कंट्री विदाउट रिपीटिंग अ सॉन्ग एट द नेहरू स्टेडियम। 56 आवर्स नॉनस्टॉप, हां जी, 9 डीजेस, वाओ, 9 डीजेस, टॉप डीजेस ऑफ द कंट्री। फिर हाँ एक बात बताना भूल गया, अब मुझे शौक चढ़ गया, मैंने वॉर ऑफ द डीजेस जीतनी है, ठीक है। ये कोई कंपटीशन होते थे पहले, ओके, अब तो कोई भी जिसको जिसकी जेब में थोड़े से पैसे हैं और जिसको कंप्यूटर चलाना था वो भी डीजे होता है, ठीक है ना? सही कह रहे हो, और दो पैक के बाद तो उसका बाप भी डीजे होता है, मतलब आधे शराबी डीजे होता है, मतलब जो भी है, मुझे मतलब वहाँ आज सिस्टम है, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। कट्टू, मैं अपनी नानी से बोला, सिंगापुर से टर्न टेबल आते थे उस टाइम, टर्न टेबल पता है? तो पहले मैं टर्न टेबल पे बहुत प्ले करता था, मैं अपनी नानी के पास गया, नानी से उस टाइम टर्न टेबल आता था 30,000 रुपये का, कार्ट्रिज वर्चुअल मिला के 32,000 रुपये, रिकॉर्ड विकॉर्ड, नानी से मैंने पैसे उधार लिए 32,000 रुपये, और नानी को बोला मुझे एक टर्न टेबल लेके दो। मैंने वो टर्न टेबल खरीदा, टर्न टेबल पे दिन रात एक कमरे में खच खच पच पच खच पच खच पच खच पच खच पच खच पच पच स्क्रैचिंग करता रहता था सारा टाइम, और मैंने चैम्पियनशिप्स जीत ली।
अच्छा वर्ल्ड जो डीजे चैंपियनशिप, नौ चैंपियनशिप जीती वर्ल्ड वाइड। एक एक दिल्ली के अंदर एक इंसिडेंस बताता हूँ, मैं हो गया पॉपुलर। राजनीति साली हर जगह। मैं हो गया पॉपुलर। इन्होंने मुझे दिल्ली में क्या था कि पहले आप प्रीलिम्स दोगे, उसके बाद फाइनल में जाओगे, फिर रीजनल फाइनल में जाओगे। ओके ठीक है। मुझे ये समझ आ गया, मेरे दोस्तों ने बताया कि मैं प्रीलिम्स तो पार कर लिया, तू यहाँ मत जाइए, तेरे को पक्का हरा देंगे। क्योंकि अच्छा। जो मेरे साथ के बड़े डीजे थे, दे डिड नॉट लाइक मी। अच्छा हाँ, ओके। कि ओवरनाइट कोई मतलब लगेगी ओवरनाइट स्टार बन गया, कोई ग्रो कर रहा था उसको कट तक किल तक है। मैंने क्या कर, आई स्टिल थैंकफुल टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे जुगाड़े, प्लेयर मिक्सर खरीदा, और मैंने अपने दोस्त को फोन करा कि भाई तू मुझे ना बॉम्बे में कंपटीशन हो रहा है, हर स्टेट का अलग होता है, ये दिल्ली से मुझे लड़ने नहीं देंगे, मुझे जीतने नहीं देंगे, तो मुझे बॉम्बे से लड़वा दे। अच्छा। तो तू उसके लिए मुझे तेरे एक ही सपोर्ट की ज़रूरत है कि तू मुझे ना अपने रेस्टोरेंट में नौकरी दे दे पेपर पे। अच्छा, सो यू कैन देन कम फ्रॉम द बॉम्बे स्टेट। ओके ओके। तो मैंने उससे जॉब लेटर लिया और मैंने वहाँ एक होटल बुक कराया, सस्ता सा, ठीक ठाक सा होटल, तेरे भाई की टी शर्ट, निक्कर, और मना था गेट पे कि कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मतलब कम से कम मान ले कि भाई एक महीना एक महीना खाना बाहर आता था, ब्रेड चाय जो भी मैं खाना खाता था वेज, वो गेट के बाहर रख जाता था, और मैं सिर्फ और सिर्फ एक महीना प्रैक्टिस करता था 24 घंटे, 4 घंटे सोया खट 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 खट, यहाँ यहाँ, मतलब जो दुनिया के हर अंग से बेसिकली स्क्रैचिंग और मिक्सिंग और एक हाथ से तीन तीन गाने, और मैं वो बॉम्बे से, बॉम्बे में भी राजनीति हो गई, मैं इंडिया में सेकंड आया आई थिंक वो कंपटीशन पे, फर्स्ट उनका बंदा आया बॉम्बे में, सेकंड में आया। अच्छा। बट वेल डिजर्विंग था, वहाँ से मेरा गेम चेंज हो गया, मतलब आप फर्स्ट ही नहीं आए, आप सेकंड आ गए उस रीजन से, बट जब लोगों ने टैलेंट देखा तो वो अनबिलीवेबल था। मैंने एक हाथ से, एक हाथ यूँ बांध लिया था अपना और एक हाथ से स्क्रैचिंग कर रहा था, मैंने ठक ठक ठक, अब आज लोग दो गाने मिक्स नहीं करते ना ढंग से, मैंने एक दो तीन चार, चार फेडर थे, 1 2 3 4, चारों फेडर आगे कर दिए, और मैंने आगे जाके एक गाने पे डांस करा, यूँ करके गाने पे आ मौला मेरे मौला मेरे, और चारों गाने इकट्ठे चल रहे बिना आउट हुए, इतनी तैयारी हो गई थी मेरी, इतनी तैयारी। वापस आया मैं चैंपियन, हार नहीं, नीचे कह रहा हूँ उस द विनर, सो मैं सुमित से उसका नाम लेते हैं, ओके नो प्रॉब्लम। मैं आया, मैंने फिर इंडिया के लिए चैंपियनशिप लड़ी, उसके लिए मुझे भेजा गया टर्की। अच्छा। हाँ, टर्की में बहुत पहले चला गया था, मतलब एक टर्किश टूरिज्म ने चैंपियनशिप कराई थी जिसके वो स्पॉन्सर थे, तो मुझे टर्की भेजा पहली बार, तेरा भाई टक्सन स्क्वायर में फुल मजे ले रहा है, विदेश का ट्रिप मिल गया, मतलब बढ़िया हो गया। तो ऐसे एक चंडीगढ़ में मैं पहुंच गया, बस पे टांग गया और मैं चला गया कॉम्पिटिशन लड़ने चंडीगढ़ में, बकाडी वॉर ऑफ द डीजेस जीत ली मैंने वहां जाके। मतलब कितना ही छुपा लोगे टैलेंट को, कहाँ तक बांध लोगे, कहाँ तक खींच के रखा है मैटर। तो उसके बाद फिर म्यूजिक बनाने का शौक आ गया, भाई म्यूजिक प्रोड्यूस करेंगे, गाने बनेंगे, म्यूजिक सिस्टम में बीट है, फिर मैंने बड़ी सारी फिल्मों के अरेंजमेंट्स करे, रीमिक्सेस करे। ओके। चिट्टियां कलाइयां, मैं बॉलीवुड डीजे हूँ, मैं भारतीय लड़का हूँ, हिंदुस्तान मेरी प्रथा है, बिल्कुल मैं हाउस ट्रांस वाला नहीं, नेचर ऑफ द आर हूँ, मतलब ठीक है इफ यू नीडेड वी डू हिप हॉप हाउस ट्रांस, बट आई एम अ बॉलीवुड गाय, मैं स्पेन में जाके भी बॉलीवुड ही बजा रहा होता हूँ। अगर आईफा के लिए गया स्पेन तो बॉलीवुड ही बजाया, तो बॉलीवुड सिस्टम में था, बॉलीवुड म्यूजिक पसंद था, पंजाबी वही मैं प्रोड्यूस करता हूँ, दैट्स माय जॉनर। तो इट्स लाइक दैट, फिर गाने बनाने शुरू करे, चिट्टियां गलाइयां, मीट पाई से गाना अरेंजमेंट करी, फिर हैंगओवर का रीमिक्स बनाया, पिंक लिप्स करके गाना बनाया, सिंगम बनाया, फिर अपनी सिंगम का एक गाना मैंने वो मीट पाई के लिए बनाया था, रीमिक्स था वो। ओके। उसके बाद एक फिल्म आई ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड, ट्रांसपोर्टर 4, उसका ओरिजिनल गाना बनाया, इंडिया वर्जन। अच्छा। ओ वाओ। फिर एक नूरा एंसेस्टर के साथ बनाया गणेश चतुर्थी पे, गणेश हाँ चतुर्थी थे ना, जयदेवा करके, फिर मेरा जैस्मिन सैंडल का और जैस्मिन सैंडल्स का ओरिजिनल कॉम्पोजिशन था, वीरा टी सीरीज पे था वो। सुना है मैंने, ऑफ कोर्स मैंने सुने सारे गाने, सुने वेरी पॉपुलर सॉन्ग वेडिंग्स, एंड देन माय न्यू ट्रैक आजा साजना, जस्सी पाजी के साथ नए गाने हैं, पूरी एक फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर करा मैंने। यू डिड वन विद अक्षय कुमार आल्सो? नो नहीं नहीं ओके। और मैंने पूरा एक बैकग्राउंड स्कोर करा,
जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि मेरा टर्नओवर क्या था, टर्निंग पॉइंट, हाँ टर्निंग पॉइंट क्या था, वेडिंग्स में मेरा टर्निंग पॉइंट था मेरा फेवरेट युवराज पाजी की शादी, युवराज सिंह की शादी पे परफॉर्म करा। आई नो, मैंने देखा है आपको डांस करते हुए विराट कोहली और युवराज सिंह के साथ, बहुत वो बड़ी वायरल हुई थी वीडियोस, 100 million+ नाउ। तो मी युवराज पाजी एंड विराट पाजी, वी वर ऑल डांसिंग, बहुत कमाल शादी थी उस शादी, तो वन ऑफ द वो टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। That was the point. But you were in Bollywood before that, or? नहीं, I was already. Already there. But एक वो और ज़्यादा नाम हो गया कि renowned बहुत हो गया। वो digitally बहुत popular हो गया था मैं। Bollywood तो शुरू से ही कर रहा था मैं। शुरू मैंने एक पार्टी करी वहाँ, सलमान भाई, शाहरुख भाई और ये सब करता ही जाता। Bollywood मेरा शुरू से ही था। कोई भी देश का कोई भी ऐसा बड़ा स्टार नहीं होगा शायद जहाँ पर वो हो और मैंने वहाँ प्ले कर रहा हूँ, इट्स माई ऑनर टू प्ले विद देयर देयर शेयरिंग द सेम स्टेज मे बी लेटर। तो अभी जैसे आपने बात करी, यू नो यू हैव परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ और विद ऑल दीज ग्रेट स्टार्स एंड सेलिब्रिटीज एंड एवरीथिंग, कमिंग फ्रॉम वट एवर बैकग्राउंड, हम्बल बैकग्राउंड जोन लो, यू नो हमने कोई बचपन से स्टारडम तो देखा नहीं है, तो क्या आपको फीलिंग आई, कैसा लगा कि यार ये मैं कहाँ पहुँच गया और मैं कैसे पहुँच गया और मैं किन लोगों के साथ और सामने परफॉर्म कर रहा हूँ? मतलब विराट कोहली के साथ ऐसे मस्त होके नाचना तो यार सबकी ड्रीम है। हाय बताता हूँ, हाय कैसे कहते हैं, मैं सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, मैं नॉनवेज नहीं खाता, और बाकी तो दुनिया की चीजें बहुत ही दूर है मुझसे। मतलब मैं पसंद ही नहीं करता, तो मैं बहुत दूर रहता हूँ। मेरे लिए हाय था 3 अक्टूबर 2010। अच्छा, नेहरू स्टेडियम, 75 million ऑडियंस और 75,000 लोग स्टेडियम में, और एक ही आवाज थी इंडिया, कॉमनवेल्थ गेम्स। यू परफॉर्म्ड ओवर देयर एट द क्लोजिंग आल्सो, दैट वाज अ हाई। व्हेन यू सीन दैट हाई, 75,000 पीपल इन द स्टेडियम रोरिंग इंडिया एंड यू ऑल आर क्राइंग मैन बिकॉज इंडिया इज प्रोग्रेसिंग टू मच, वाओ, दैट वाज द किक ब्रो। वो हाई है लाइफ की, पैसा हाई नहीं है। आज आपकी स्ट्रीट में 10 आपसे बड़े आपसे छोटे रहते होंगे, लेकिन वहाँ जो मंच पे खड़ा है, जिसकी इतनी भगवान ने दया दृष्टि और लोगों की दया दृष्टि से हम लोग वहाँ पहुँचे, डूड दैट वाज द किक ऑफ लाइफ। कैन यू इमेजिन, वी वर एट द सेंटर स्पॉट एट द कंसोल एंड यू 75,000 पीपल इन द स्टेडियम एंड रोरिंग इंडिया। वाओ, More than goosebumps. More than tears. I'm sure. I'm getting goosebumps right now thinking about it. Yeah, yeah. Wow. Likewise. Yeah. No, but ये तो चलो एक अलग ही level हो गया। ये तो एक अलग ही feeling हो गई। I understand. It's like representing your country, you know. Absolutely. But I'm saying is everyone is starstruck. I mean there are people who starstruck होते ही हैं यार। हाँ, of course. तो आपके साथ कभी ऐसा? मैं भी स्टार सकता हूँ, मैं भी बच्चन साहब को देख के सर फोटो क्यों नहीं यार, हाँ। भाई को आज तक फोटो, मीका भाई जी को आज तक फोटो, और शाहरुख भाई को जब भी कुछ स्टार स्टक हूँ क्यों नहीं हूँ भाई, इनको देख देख के बड़े, जिनके चक्कर में कमाने शुरू करे भाई, जिनके गाने बने तुझे देखा और आपने तो क्या क्रेजी क्रेजी शादियों में एक्सपीरियंसेस करे होंगे यार, शादियों के भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न प्रकार की शादियाँ, शादियों के तो राजा हैं, शादियों के तो आप राजा हो, मैं भी मानता हूँ राजा है राजा इसमें हम, क्योंकि अरे 12 घंटे बजाता हूँ मैं, 12 घंटे 8 घंटे मुझे मजा ही नहीं आता। तो आप ऑफ सीजन जब शादियों का होता है तब आप अपने गाने वाने बनाते जो आपको प्रोड्यूस करने, कोविड में बनाया 1200 गाने। ओ भाई, और इंटरनेट पे शो करा, लाइव भी गए थे ना कोविड के टाइम, यूज्ड टू गो लाइव एवरी नाइट आई थिंक, और आई रिमेम्बर फ्रॉम योर इंस्टाग्राम यूज्ड टू गो लाइव, इट वाज क्रेजी, वी हैड 18,000 पीपल, 36 मिलियन पीपल बैक एंड, 36 लाख सॉरी, 36 लाख लोग को मजाक है, 36 लाख लोग कहाँ पे, बैक एंड पे, अच्छा स्क्रीन पे दिखता है 18,000 लोग लाइव, जब लाइव बंद करते हो तो कहता है हाउ मेनी पीपल सॉ योर व्यू, मैंने आपके आपको एक शो में देखा था जो मैं और मेरा भाई कभी भूल नहीं सकते क्योंकि वी न्यू हु यू आर, यू हैड परफॉर्म ऑलरेडी परफॉर्म्ड एट आवर सिस्टर्स वेडिंग बिफोर दैट आई थिंक, तो हमें पता था, हमने कहा यार सुमित डे टू डेट में आ गया एंड भी देखता हूं जो उसने करा ना यार, वो कहीं है ही नहीं, मेरे को भेज दो, वो यूट्यूब में है ही नहीं अब, नहीं है। तो सुमित डे टू डेट पे आए थे
और इन्होंने काफ़ी हमें हंसाया था डोरी 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 करके, वो मैं भूल नहीं सकता। वहाँ कैसे पहुँच गए थे? डोली डोली नहीं, डीजे करा था मैंने। नहीं नहीं, अरे हाँ ना गोविंदा, अच्छा डीजे हाँ डीजे करा था। गोविंदा जी का गाना आया था एक डोली 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 डोली, तो उसका डीजे फिल्म में था ना, डीजे। तो वहाँ कहाँ से पहुँच गए यार मेरे को ना? जिन लोगों ने देखा है ना डे टू डे, वो समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बड़ा बेहतरीन शो रहा था यार वो। ऐसा होता है ना, रात सोए गरीब सुबह से उठे अमीर, वही स्टोरी थी। मैं रात सोया था, सुबह पॉपुलर उठा था। अच्छा अरे भाई, रात सोया सुबह पॉपुलर, इतना हिट शो। मैंने कहा कहाँ आ गया भाई, उसकी स्टोरी खतरनाक है। जाननी है मुझे, बड़ी खतरनाक है। मैंने हाँ कर दी, मेरे को काफ़ी टाइम से कह रहे थे करना है, ठीक है कर लेते। मैं रात को सैटरडे नाइट पहुँचा घर पर, और सुबह मैंने देखा ये तो भाई पूरी टीम आ गई शूट पे। मैं लोकेशन पे पूछा, मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मैंने देखा ये क्या शो है। मैंने यूट्यूब खोला, ये डे टू डेट क्या है? मुझे तो पता नहीं था, और मेरी इंग्लिश वैसे कमज़ोर है, मेरे को तो समझ ही नहीं है डे टू डेट का मतलब। मैं देखा हूँ वहाँ जाकर, ये तो खेल हो गए, ना आगे जा सके ना पीछे। मैंने कहा अब तो जो भी है करना है। करने ऑप्शन क्या थी मेरे पास? मैं तो नहीं होती तो कट लेता मैं, मेरे को तो पता ही नहीं था। और लड़की जो भी थी वो क्या नाम था उसका, यशिता, मेरे को पता ही नहीं कौन। पहले उसका कॉन्सेप्ट ये था कि आपको किसी से मिलाना है, आपको हाँ करना है या ना करना है। हाँ। लास्ट में तो मुझे याद नहीं मैंने क्या करा था, बट बड़ा हिलेरियस शो था। उसमें एक आया था, हैव यू सीन दैट शो? रटा हुआ है मुझे। उसमें ना एक बंदा आया था जो कहीं मिल जाए, नहीं वो पापा कांचा। हाँ पापा कंचा, कहीं मिल जाए मुझे वो, मैं उसको पॉडकास्ट पे बोला पापा कंचा। क्या बंदा था यार, आई स्टिल लाफ क्रेजी व्हेन आई लुक एट दोस वीडियोस यार। मैंने बड़े फनी पंच दिए थे, पॉपकॉर्न को फुल ले खाएगी। अरे यार उसने मेरे लिए डांस करा ब्रो। हाँ पीली साड़ी में। अरे यस यस याद आ गया, पानी डाल के ना पूरा फुल डांस करा था। फुल डांस करा था किसी रेस्टोरेंट के अंदर आप लोग, आई थिंक। अरे यार बड़ा शो, बड़ा शो। एक बात बताओ, आपको हमेशा चश्मे पहने हुए देखा है, व्हाई डू यू ऑलवेज वेयर चश्मे? एक तो स्टाइल स्टेटमेंट स्टार कहते हैं उन्होंने ना। दूसरी बात है भाई, आंखें अच्छी हैं मेरी, माना थोड़े से डार्क सर्कल्स हैं, बट ब्रो ये मेहनती आंखें हैं जो 20 घंटे जागती हैं। 20 घंटे आप नहीं जाग पाओगे, मुश्किल है। मैं रोज़ 20 घंटे काम करता हूँ। अगर मैं शो नहीं कर रहा तो मैं गाने बना रहा हूँ, अपना म्यूज़िक शॉट कर रहा हूँ, विजन देख रहा हूँ, वर्ल्ड म्यूज़िक सुन रहा हूँ, कोई ऐसी सीरीज देख रहा हूँ डॉक्यूमेंट्री, इससे कुछ सीखने को मिला। एवरी डे ब्रो, एवरी डे। फटीग तो होता ही होगा यार, जब आपके पास विजन पैशन है तो कोई फटीग नहीं है। आपका सपना है, आपको करना है, आपकी किस्मत है। आपने इतनी मेहनत, कोई इसका कोई जुगाड़ ही नहीं है, मेहनत ही जुगाड़ है, कोई शॉर्टकट नहीं है, लगे ही रहना, कंसिस्टेंसी जुगाड़ है बस। खटापट खटापट देखना है क्या हो रहा है वर्ल्ड में, क्या सीरीज हो रही है। एक मैंने सीरीज देखी ड्रे की, उसके अंदर नाम भूल गया, एक सीरीज देखी उन्होंने एप्पल की डील कैसे करी म्यूजिक को लेकर ड्रे हेडफोन्स के साथ। हु इंस्पायर्स यू इन म्यूजिक? दिस वन गाय, वेरी वेरी टैलेंटेड, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, आई जस्ट लुक अप टू हिम। आई नो व्हाट यू, ही ओनली इंस्पायर्स मी, नो वन एल्स, ही इज माय कंपटीशन। दिल्ली का लड़का है सुमित सिंह, वही अपना कंपटीशन है, वही इंस्पायर करता है और कुछ नहीं। बट आपको नहीं लगता कोई कि इसको देख के मैं सीखता हूँ यार? जैसे मैंने बहुत सारे लोगों से जो म्यूज़िक में है ना उनसे बात करी है, मेरे को बहुत सारे फ्रेंड्स भी है। एक नाम जो बहुत लोग लेते हैं फॉर एग्जांपल कि ये AR रहमान, कि भाई वो बंदा लेजेंडरी है, वो ग्रेट, मतलब कितना कुछ भी सीख लो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसे आई एम श्योर आप उनके लिए रिस्पेक्ट है, उनके लिए रिस्पेक्ट है। हमने अपनी जर्नी खुद रची है, ये नहीं कि मुझे आके कोई सिखा रहा है। मैंने मेहनत करी है, मैंने अचीव करा है, मैं बहुत थैंकफुल हूँ बहुत सारे लोगों को, लिस्टें ख़त्म हो जाएंगे, थैंकफुल हूँ। बट आई लुक अप टू पीपल हु सपोर्टेड मी। आई रिस्पेक्ट फॉर अ लॉट ऑफ म्यूजिशियंस, मेकअप आजी, जसी बाजी, अम्मा जी, मलकीत भाई, मतलब यू नाम ही नाम है जिन लोगों की रिस्पेक्ट है लाइफ में। बट लुक अप क्या, सबकी अपनी अपनी जर्नी है ना, राइट? कि मैं बोलूँ नहीं रहमान साहब ने ये करा और वो करा, ग्रेट,
बट हाँ, उन्होंने मेरी लाइफ में आके क्या करा वो इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन मेरी कभी रूबरू हुई नहीं, मेरी इतनी किस्मत ही नहीं हुई कि मैं उनसे रूबरू हो सकूं ऐसे जो मेरी मदद कर सके। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके कंटेंट में जान है तो वो बिकेगा, नहीं तो वो नहीं बिकेगा। अगर आपके काम में दम है तो वो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। आप जो मर्जी हो आपको, क्योंकि दुनिया की ऑडियंस आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपके माल में दम नहीं है, माल नहीं बिकेगा। सही बात, जो मर्जी हो। सही बात है। आप जितने मर्जी पैसे लगा लो और बिना पैसे के भी आप स्टार बन जाओगे रात को अगर आपके माल और कंटेंट में दम, टैलेंट है अगर 100%। अभी आपने बात करी चश्मे की ही बात करी, जैसे आपने अच्छे नहीं लग रहे। अभी नहीं, अरे बहुत सेक्सी लग रहा है आपका चश्मा और आपकी टोपी जो शादियों में पहन के आके और दूसरों को पहना के ना चाहते हो। दिस इज द मोस्ट लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ एलवीरा द वे। अच्छा, द मोस्ट समरेस्ट कलेक्शन, इट वाज क्वाइट नाइस टू ओन इट, टू हैव इट। नो, यू इट्स योर्स इफ यू वांट। नो, आई विल नॉट गिव यू। टेल मी ब्रो, बड़ा दुख होता है ना कोई अपना इतना डियर एंड नियर चश्मा लेके ना भाई देता हूँ तो एक बार तो बोलता है मना कर नहीं सकते। तो मेरे को पूछना है, जैसे मैं कोई भी चश्मा पहन के स्टेज पे परफॉर्म करने चढ़ता है ना, आप किसी शादी में चले जाओ, कॉन्सर्ट पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, डोंट माइंड, बट एक पब्लिक परसेप्शन होता है कि अरे ये तो ड्रग्स करता है यार, इसने तभी चश्मे पहने हैं। हमने खुद भी शायद बहुत सारे सिंगर्स को देख के करा है, बिकॉज मेरे को आपका तो पता है दैट यू डोंट ड्रिंक स्मोक एनीथिंग, बट फॉर एग्जाम्पल अगर बादशाह है, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर वो चश्मे पहन के परफॉर्म करे हमें लगता है कुछ तो करके आया है, परसेप्शन है। तो मेरा आपसे ये पूछना है कि डीजेइंग में जितना मैंने देखा भी है ब्रो, बहुत ड्रग्स इन्वॉल्व हैं। मेरे हिसाब से म्यूजिक इंडस्ट्री में भी बहुत होंगे, पता नहीं भाई मुझे, पता ही नहीं आ रही आप ब्रो, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा लेना देना ही नहीं है। बट यू, आप अपने आसपास तो देखते होगे, आप आईएफएफ परफॉर्म करने जाते हो, शोज करते हो, कितना कुछ करते हो। समझ बात को, एक यू नॉट बीन देयर टू इवन एक्सपीरियंस इट। You know how much hard work it takes to do rehearsals in the green room, how much stress it is when your star is performing on stage. और लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों को क्या लगता है उससे मुझे और किसी को भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। We care a flying hoot, you thinking I'm having drugs, it's okay. मेरे को पहले बहुत फर्क पड़ता था कि लोग क्या कह रहे हैं, अरे वो मैंने कहा अच्छा यार, बोला है आपको वैसे लोगों ने, बहुत लोगों ने, अच्छा बहुत लोगों ने, अरे एक दो पर्सनल स्टोरीज है, बता नहीं सकता, बता दो कुछ नहीं, 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 नहीं। अरे मतलब लोगों ने इतना बोला, अरे तू, मैंने कहा अच्छा। सो फिर भी पहले लोगों को लगता है कि अच्छा ये अगर ये ऐसा वैसा, फिर भी आके फोटो खिंचवानी है क्यों, फिर भी आके सेल्फी लेनी है, कहना है पिक्चर क्यों, अरे वो परसेप्शन है लोगों की। आप किसी चीज को अचीव नहीं कर सकते तो उसकी बुराई करते हो, ये आप किसी की ग्रोथ से जलते हो। ये भी है, आपने आजकल एक लैम्बोर्गिनी ले ली, वो तो आप ले ही सकते हो एक सेकंड में, अब मैं खरीद नहीं सकता रे। वो तो आपने लैम्बोर्गिनी, अब मैं ले नहीं सकता और मैं कहूंगा टायर कितने छोटे हैं जितनी इसकी हाइट है। समझे, तो ये स्टोरी, कुछ ना कुछ टिप्पणी देनी है लोगों को, विशेष विशेष टिप्पणी देनी है लोगों को, उसके बिना काम नहीं चलता, सक्षम नहीं होते खुद। अच्छा लग रहा है मुझे आप हिंदी बोल रहे हो, मेरे को हिंदी आती है बढ़िया। हम यहाँ पे ज्यादातर शुद्ध हिंदी में ही पॉडकास्ट करते हैं, हिंदी ही बोलनी अच्छी लगती है। हाँ, हमें भी हिंदी बोलनी अच्छी लगती है, क्या रखा है इंग्लिश में इतना यार, जानो पता होनी चाहिए कहीं बोलो। टी शर्ट लड़के ने पहनी है, उस पर इंग्लिश लिखी हुई है, बातें करा लो। ये महंगी नहीं है, 800 रुपए की टी शर्ट है यार, इससे सस्ती तो क्या पहनूंगा, इससे सस्ती तो क्या पहनूंगा, मैं वेरी सिंपल गाय विद सिंपल नीड्स। सो फिर इंग्लिश बोली लड़के। अच्छा नहीं, मैं शुद्ध हिंदी में बात करनी है आपको अब सिर्फ। भाई ठीक है, क्या कहना है आपके, वैसे आपने बात बोली, आजकल जो हमारा यूथ है उनको सिर्फ कूल लगने लग गए इंग्लिश में ही बात करना, कि हम तो इंग्लिश में ही बात करेंगे। युवाओं की गलत फहमी है ये। हाँ, उनकी तो गलत फहमी है। अरे दादा, हमने इंटरनेशनल में जाके इंटरव्यू दे दी हिंदी में। सुन रहे हैं, बिल्कुल प्राउड होना चाहिए ना, अपनी जो आपकी भाषा उसका प्राउड तो होना ही चाहिए 100%। पर जो मेरा आपसे कहना था ना, आपने मेरे को कहा कि ये नहीं होता ये सब, या आपको पता नहीं है ये सब होता है, व्हाटएवर। अरे भाई,
अनजान तो हम भी नहीं है, लेकिन ये है ना कि अपने सामने नहीं देखे और जहाँ देखे भी कब देखना ही नहीं है सिस्टम, वो दूर और दूर तक नहीं है जो हमारी परछावा है, परछावा के साथ नहीं नहीं ब्रदर समझो बात को, मेरा एक सर्कल है, मेरे सर्कल में एक्स वाई जी चीज नहीं होती, मेरा सर्कल ही नहीं है वो, जहाँ वो सर्कल होता है हमारा वो रास्ता ही नहीं है, हम मंदिर गुरुद्वारे जाने वाले लड़के हैं। देखता हूँ आपका स्नैपचैट पे नियम, प्राचीन हनुमान मंदिर, तो हम हर दिन जाते हैं मंदिर गुरुद्वारे जाने वाले लौंडे, हमें कोई दूर हमारे को अपने से टाइम नहीं मिल रहा, अपने घर में मम्मियों की बातें सुनने का टाइम नहीं मिल रहा, तो बातें कर रहा है, टूर पे ही रहते हैं हर वक्त यार। कल जैसे शो है, कल अब रात को निकल जाना है, सुबह होटल पहुंचना है, नींद खोलनी है और शो पे टकाटक करना है बाहर दिल्ली वापस। अच्छा अब इसमें आपकी, मैं जो आप हसल की इतनी बात करो, अब इस पे मेरा एक सवाल है, क्योंकि मेरा इस पे ना एक थोड़ा डिफरेंट टेक है शायद। आपने कहा कि मैं थकता नहीं हूँ, मेरे जो जो मेरी जील है या जो मेरा पैशन है कुछ भी करने का, वो मेरे को थकने नहीं देता। बट एक टाइम शायद ऐसा आता है जब आपकी बॉडी भी जवाब दे जाती है। दिस इज ह्यूमन नेचर एंड ये मतलब साइंस है। तो क्या आपको लगता है नहीं कि थोड़ा स्लो डाउन होना चाहिए? यार मैं सो ही नहीं रहा हूँ, मैं दो दो दिन सो नहीं रहा हूँ। अरे मेरी जान, 3 साल सो लिया कोविड में, मुझे बिल्कुल नहीं सोना, मैं बहुत सो लिया, मैंने इंटरनेट पे बहुत शो कर लिए वर्चुअल और मैंने बहुत रेस्ट कर लिया, मेरी जिंदगी का सारा सोना सो लिया कोविड में। आज जिसको सोना सो ले भाई, मुझे नहीं सोना, मैं सो लिया भाई, अपनी नींद पूरी करनी है गाड़ी में कर लेंगे, घर में कर लेंगे, कहीं कर लेंगे, खत्म, स्टेडियम में कर लेंगे, कॉन्सर्ट पे कर लेंगे, हमें नहीं सुना, सो लिया मैंने। अभी ना बॉडी जो है ना, बॉडी अपने हिसाब से सिस्टम में बनती है, ये नहीं है कि आपकी बॉडी, आपने सोचा कि नहीं इसको आराम चाहिए, हर कोई बीमार होता है छुटपुट बुखार पुखार, ठीक है यार अच्छा खाते पीते हैं घूमते फिरते हैं, सोच भाई तू 5 साल पहले अमेरिका गया और तूने जो मजे करे, और अगले 5 साल में पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, तो वही जिंदगी जी लो अभी, ठीक है। तो सही बात है, ये तो सही बात है कि जियो, जिंदगी जी रहा हूं भाई, रोज जियो जो बन जा रहे हैं। एक मुझे बात बताओ, आप यंग डीजेस के साथ काम करते हो? क्यों नहीं, बहुत ज्यादा, मतलब जो भी आजकल आ रहे हैं, बढ़िया बढ़ावा देते हैं सबको, बढ़िया लड़के हैं, छा जाओ देश पे, मैं इनसिक्योर बंदा नहीं हूँ भाई, मैं अपनी प्लेट भी दे देता हूँ लोगों, तू खा ले जा, और जब इनसिक्योरिटी तो उसका भी खा लेता हूँ, तेरे पास क्यों आया। ऐसा नहीं है, नहीं मैं बहुत कुछ करता हूँ सबको, अच्छी बात है यार। क्या इस पॉडकास्ट के थ्रू ना, हमारे ज्यादा यूथ यंग लोग ही देखते हैं पॉडकास्ट, वही हमारी ऑडियंस है, एंड बहुत लोग आजकल इंटरेस्टेड है यू नो इन दिस प्रोफेशन, क्या आप, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू यू नो ऑल द यंग पीपल हु आर, बिकॉज़ आई एम श्योर टू यंग पीपल लाइक यू, नो हु आर स्पेशली इनटू वांट टू गेट इनटू डीजेइंग, हमारी एकेडमी ज्वाइन करो। कह रहे यहाँ नहीं दूंगा एकेडमी ज्वाइन करो। अच्छा यहाँ पर एकेडमी बहुत सपोर्ट करते हैं, 100% जॉब प्लेसमेंट देते हैं। अच्छा हाँ, मैं मतलब नया कोर्स मॉड्यूल लॉन्च करेंगे, सब मेंशन करेंगे, समर्स में स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा। ओके तो मेहनत, डेडिकेशन, पैशन, क्लियर इंटेंशन और टेढ़ा मेढ़ा दिमाग मत घुमाओ, ठीक है ना, अपना फोकस रखो, तो तरक्की 100% है, कोई नहीं रोक सकता तरक्की तुम्हारी। आलस नहीं करना, आलस तो करनी नहीं है, सिस्टम में ही नहीं है। जितनी देर यहाँ से लगी आपके घर तक गाड़ी में सोता हुआ आया हूँ कि नींद कंप्लीट हो जाए, 30 मिनट्स हो गया बहुत है। मेरा तो पर्सनली इस चीज को लेके बहुत डिफरेंट टेक है कि मुझे मेरे काम टू काम भी डिपेंड करता है, 8 घंटे प्रॉपर डी, 6 घंटे मुझे चाहिए ही चाहिए, सबका सिस्टम है, सबका सिस्टम, 8 घंटे चाहिए, चाहे 15 मिनट सो लो, कैलकुलेट करके सो जाता हूँ मैं। अच्छा कि कहीं भी टाइम मिला और सो लिया, कहीं टाइम मिला सो गया कट इधर ढम, हमारे को नींद आने बहुत ईजी है ब्रो, कहीं भी सो जाओ। आप सुनते किस तरीके का म्यूजिक को? यार मैं ओल्ड फोक, पंजाबी, थोड़े प्यार प्योर वाले गाने, तड़कते भड़कते गाने, मेरे अलग अलग टेस्ट ऑफ सॉन्ग्स, आजकल मेरे को वो गाना बड़ा पसंद है अपना बना ले, बहुत अच्छा गाना है, और अलग अलग गाने हैं, मैं ओल्ड स्कूल पंजाबी सुन, मैं मलकीत सिंह सुनता हूँ, जस्सी चमकीला के तो 2 गाने हैं मेरे फेवरेट है, मेरा तो नरम जहाँ फेवरेट है चमकीले का, सुना नरम जहाँ, पहला ललकारा अच्छा, ओके ओके ऑफ कोर्स, बहुत फेमस गाना, फिल्म बना रही है चमकीला, आई नो दे आर मेकिंग अ फिल्म,
दो फिल्में बन रही है बॉलीवुड की, एक तो बन रही है बॉलीवुड में ही बना रहे हैं एक तो कह रहे चमकीला के ऊपर आपने वैसे इसके बाद एंड करेंगे रैपर्स के साथ काम करें क्यों नहीं कर रहा हनी सिंह के साथ काम करें आपने कब शो स्टेज शेयर करा है पर्सनली काम नहीं करा मैं आप फेवरेट है हनी हाँ फेवरेट है मेरा भी मेरा उसको कल रात को पता है कितनी बार सुना होगा मैंने मॉस्को मशहू का अच्छा तो 10 बार सुना रहा मैं बता दो मैं क्यों पूछ रहा हूँ क्योंकि आई थिंक मेरे को शायद लगा था आपने उनके साथ परफॉर्म करा है करा ही होगा 100 शो करे होंगे कम से कम मैंने ना जो हनी सिंह ने कर डाला पिछले आज से 5-6 साल पहले वो जो भी एरा था 6-7 साल का हनी सिंह का आज कोई भी आ जाए मेरे को पर्सनली मेरा ये कहना है कि बादशाह आ जाए रफ्तार आ जाए कोई भी आ जाए कोई भी किंग आ जाए जो हाइप हनी सिंह की थी अनमैचेबल जो वाइप हनी सिंह की थी अनमैचेबल देखी नहीं वो बंदा जब स्टेज पे आता था ना मेरे को उसका आज भी याद है जी सिने अवार्ड उसको मिला था उसने एक स्पीच दी थी जो भी मैंने बोला वो मैं करके दिखाऊंगा मेरे लिए दुआ करो उसकी फिर इसे कहते हैं हिप हॉप में वो लाइन भी आई थी वो बंदा इतना कॉन्फिडेंट ऑरा भाई जो उसकी पूरी एल्बम थी देसी कलाकार आज तक वैसे विलेजर इंटरनेशनल विलेजर उससे पहले मतलब ऐसी म्यूजिक प्रोडक्शन ऐसी वीडियोज ऐसा रैप कभी देखा ही नहीं था इंडिया ने एंड उसके बाद सब खत्म हो गया लेकिन मेरे को समझ ये नहीं आता कि अब हनी सिंह क्या कर रहा है आप मैं आज उसका म्यूजिक नहीं सुन सकता हनी सिंह इतना कमाल म्यूजिक बना रहा है रोज गाने रिलीज कर रहा है शोज कर रहा है बैक टू बैक टूर्स कर रहा है डेट ही नहीं है इतना बड़ा स्टार है यार नहीं आज इन द सेंस कि उसके गाने को क्या हो गया मेरे को ऐसा लगता है टाइम सब चलेंगे अहेड ऑफ टाइम है वो अहेड ऑफ टाइम है ये मान मेरी जान पता कितना पुराना गाना है नहीं 2 साल पहले था स्पॉटिफाई पे वो क्या बात कर रहे हो अच्छा मुझे किसी ने बताया मैं श्योर नहीं हूँ ये तो अभी एकदम से हर जगह ही ये डिजिटल गेम है कब गाना कहाँ से उठ जाए झूम कितना पुराना गाना है अली जफर का उसने अब जाके वापस वो बनाया है उसका उसने वो गाना हिट हो गया तब बना हाँ रील ऐसे ऐसे वायरल होती है ना आजकल सब कुछ रील पे चलता है आपको सोशल मीडिया कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है आज के टाइम पे? वेरी इम्पोर्टेंट डू यू थिंक सोशल मीडिया प्रेजेंस इज मोर इम्पोर्टेंट या फिर पब्लिक में जाके शो करना इज मोर इम्पोर्टेंट क्योंकि मैंने अभी लास्ट एक बंदे के साथ पॉडकास्ट करा था उसने कहा था कि जितनी रिकग्निशन और जितनी रीच मेरे वो हास्य कवि था कह रहे मेरे वो भी परफॉर्मिंग आर्ट्स है कह रहे जो मेरे को ऑफलाइन लाइव शोज में मिल सकती है वो मेरे को ऑनलाइन मिल ही नहीं सकती नहीं यार मेरे को लगता है कि ऑफलाइन जो है ना वो रियल है और ऑनलाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ क्योंकि आप जो कर रहे हो लोगों को बताना पड़ेगा कि हम ये कर रहे हैं लोग तभी विश्वास करेंगे अच्छा ये कर रहा है आपने अभी रिसेंटली इतने सारी बड़ी बड़ी हिट हिट चीज़ें करी आपने सिद्धार्थ कियारा की शादी पे परफॉर्म करा आपने कपिल शर्मा शो करा बिग बॉस पे गए तो क्या आपको लगा कभी आप सीन के है पे आओगे हाँ मेरा तो बचपन से सपना था अच्छा। जब से आप पैदा हुए थे तब से मैं आपको जानता हूँ कि मैं अखिल कोठारी एक दिन बड़ा होगा वो खोलेगा वो पॉडकास्ट करेगा फिर और मैं सीन कह पे आऊंगा और बड़ी बात है कि मार्बल की टेबल नहीं पड़ी यहाँ ये लकड़ी की पड़ी हमने लकड़ी का भी लकड़ी भी करते हैं अभी लकड़ी भी करते हो टाइल भी करते हैं सब खाना भी बनाते सब करते हैं पॉडकास्टिंग भी करते हैं चलो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ब्रो लवली कॉन्वर्सेशन एंड आई होप People like it. Sumit Seri, boom, boom.